हेलो एवरीवन, आज है अपना तीसरा दिन और अभी हम हैं हरिद्वार में और यहाँ पे अपन शंकर जी को देखो गाइस। अभी थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ और ये पुल ये अपन कल भी देखे थे। और ये रे भोलेनाथ जी अपने तो हेलो एवरीवन, आज दिन की शुरुआत करते हैं अपन हरिद्वार से। और हरिद्वार में है अपन अभी और यहाँ पे अपना कल चंडी देवी छूट गया था तो चंडी देवी चलते हैं अभी, वहाँ के दर्शन करके अपन निकलेंगे यात्रा में। अपनी यात्रा चालू होगी आज से यमुनोत्री की। और फिर यहाँ देखो गाइस, ये है पुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। और यहाँ है अपने महादेव जी, जूम करके दिखाता हूँ। तो है आज अपना तीसरा दिन। ये देखो सब कांवड़िया लोग कांवड़ लेके जा रहे हैं भर भर के जल। और अभी अपन है चंडी देवी के मार्ग में और यहाँ से जो अपन चंडी देवी के दर्शन करेंगे, यहाँ भी अपन कोशिश करेंगे ट्रैक करके जाएं। और अगर वेटिंग नहीं रहा उड़न खटोला में तो उड़न खटोला में जाएंगे, ज़्यादा वेटिंग रहेगा तो अपन ट्रैक करके जाएंगे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चंडी देवी मंदिर के नीचे और उड़न खटोला वाले एरिया में। और यहाँ से प्रवेश है, यहाँ से एंट्री है अंदर जाने की। एंट्री करते हैं हम लोग और चलते हैं ऊपर दर्शन करते हैं। रोड देख के क्रॉस करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ टिकट कहाँ कटेगी, वेटिंग तो नहीं मिलेगी। ये अपनी कट गई टिकट उड़न खटोले की। उड़न खटोले के पास जा रहे हैं, उड़न खटोला का स्टेशन यही पास नहीं होगा ज़्यादा, हम लोग को चढ़ना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देखो बच्चों लोग के लिए लगा हुआ है। आज तो इतनी भीड़ नहीं है, अपन को तुरंत मिल जाएगा ऊपर जाने के लिए। ज़्यादा भीड़ है नहीं, सब आ रहे जा रहे हैं। इस साइड अलग ट्रैक है, यहाँ से पूरा घूम के जाएगा। एक केबिन में चार लोग का है अनुमति बैठने का, चार से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। अभी आ चुका है हम लोग का नंबर, अब चलते हैं अपन। यहाँ पे बैठ चुके हैं हम लोग, इस साइड आना दूसरी साइड। यहाँ से देखो ऊपर का नज़ारा जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो झरना गिर रहा है। और यहाँ वहाँ से अपनी कार देख रही है, देखो यहाँ अपन कार पार्क की है। देखो मोदी
गजब बढ़िया है भी एकदम ब्यूटीफुल लग रहा वाटरफॉल यहाँ का। ये ऊपर चढ़ते जा रहे हो धीरे होते जा रहे हो? लोड पड़ रहा होगा। इस साइड से चढ़ने का है और इस साइड से उतरने की रूप है। नीचे आ रही है यहाँ से जो पहाड़ों का नजारा ना अल्टीमेट अल्टीमेट क्या ही कह रहे हैं यहाँ के नजारा पे। अपन पहुंच चुके हैं ऊपर, अब उतरते हैं नीचे। पूरा झूला झूला आ रहा है तो एकदम इधर से वापस जाने वाले लोग रिटर्न जा रहे हैं। अभी भीड़ नहीं है, अपने अच्छे से दर्शन हो जाएगा। और मंदिर जाने का रास्ता यहीं से सीधा, यहाँ से भी थोड़ा चलना पड़ेगा पैदल 100 मीटर। थोड़ा सा और बचा अपने को यहाँ से देखिए अपनी चंडी भी हमारी। हाँ भैया मंदिर का रास्ता, मंदिर में स्टैंड फ्री लास्ट है थोड़ा, मंदिर का स्टैंड फ्री मिलेगा। अपन एंटर हो रहे हैं मंदिर और मैं अंदर वीडियो नहीं बनाऊंगा मंदिर के अंदर का, इसलिए मंदिर के बाहर आके फिर बताता हूँ कैसा था अंदर का। हम लोग आ गए मंदिर से बाहर और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ अपना, और अब वापस जा रहे हैं अपन रोड की साइड उड़न खटोला से। अब जाते हैं वापस नीचे, यहाँ ही पूरा मार्केट लगा हुआ है और भीड़ अभी बढ़ रही है। हम लोग सुबह आ गए जल्दी तो उतना भीड़ नहीं मिला, भीड़ बहुत ज़्यादा ही है। आई भी लस्सी भी होगी। सोनू की नजरें समोसे पे, भैया बोल क्यों नहीं रहे खाने के लिए बोल रहे। सिक्योरिटी और व्यवस्था यहाँ की बहुत ही अच्छी है। सब जगह चेकिंग, यहाँ पे बैग चेकिंग सब हो रहा है। आने टाइम भी चेकिंग हुई और अब जाते टाइम भी चेकिंग हो रही है। जाने टाइम क्यों हो रही है मेरे को पता नहीं, क्यों समझ नहीं आया। आने टाइम तो चलो ठीक है, हो सकता है कोई इधर उधर से आ जाए पहाड़ों और से। सिक्योरिटी तो अच्छी है यहाँ की। और यहाँ का वेदर देखो, ऊपर का वेदर एक नंबर है, मस्त हवा चल रही है और पहाड़ को देखो भाई बहुत ही ब्यूटीफुल, क्या नज़ारा है। वीडियो पे इतना ऐसा दिख रहा है, सोचो सामने में कैसा दिख रहा होगा। ये अपन पहुंच गए नीचे, हाँ
चलते हैं यहाँ से नीचे। अब यहाँ से अपन चलेंगे यमुनोत्री के लिए और रास्ते में जो जो मंदिर पड़ेगा सबको विजिट करेंगे। अब यहाँ से अपन शाम तक पहुँच जाएंगे यमुनोत्री और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के वहाँ से ट्रैक स्टार्ट करेंगे क्योंकि 6 से 8 किलोमीटर का ट्रैक है और खड़ी चढ़ाई है तो अपनी सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी निकलेंगे। और अपनी गाड़ी आ रही है पार्किंग में खड़ी थी यहाँ से अपन यहाँ से निकलेंगे और आ गई अपनी गाड़ी। चल सोनू सोनू चल अभी मिली है हम लोग को देहरादून रोड में पहली बारिश और बहुत ही तेज गिर रहा है पानी, रोड भी भर चुके हैं और ये अपना पहला बारिश पहाड़ों का। गाइस ये देखो बाबू भैया की गाड़ी। भैया मीटअप ये देखो गाइस बाबू भैया की गाड़ी। बाबू भैया है नहीं इस वक्त यहाँ पे, मैं गया था भैया लोग से बात किया बाबू भी थे नहीं। एक टाइम पे बस आ गई भैया। गाइस चलते हैं अपन भी, बारिश हो रही है। अभी हम लोग निकल चुके हैं देहरादून से और जा रहे हैं अभी हम लोग मसूरी रोड, जिसमें रास्ते में पड़ेगा अपना कौन सा मंदिर पड़ रहा है अपना प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर है और वहाँ की मान्यता है वहाँ पैसा नहीं चढ़ता और बहुत ही अच्छा है। सभी मंदिर में ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि भगवान को पैसा की क्या ज़रूरत, वो तो खुद देने वाला है लेकिन लोग नहीं समझते। और अभी हम लोग निकले हैं देहरादून से, निकले हैं देहरादून जैसे ही एंटर किए थे तब से बारिश हो रही है, स्टार्टिंग में ज़्यादा हुई अभी थोड़ी कम हुई है और ये देखो अभी भी कंटिन्यू बारिश हो रही है। और आते आते हम लोग को बाबू भैया की गाड़ी मिली। बाबू भैया थे नहीं, बाबू भैया शायद लद्दाख जा रखे हैं आजकल में ही आए हैं शायद, तो गाड़ी में तो वो नहीं थे, उनकी फैमिली थी तो उनसे मिलना नहीं हुआ लेकिन उनकी गाड़ी देखी अपन। हम लोग पहुंच चुके हैं अभी प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर और ये देखो प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। अभी अंदर चलते हैं और आपको कराता हूँ बढ़िया से दर्शन। आओ इधर से आ जाओ आगे आगे दर्शन कर लो। अभी आ गए हम लोग प्रकाशेश्वर मंदिर में, प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर और उनके दर्शन कराता हूँ अभी आप सबको। यहाँ की मान्यता है यहाँ पैसा नहीं चढ़ता बिल्कुल। यहाँ का मंदिर और यहाँ पे लिखा हुआ बोर्ड भगवान हम सबको पैसे देते हैं, भगवान को पैसे चढ़ाने की कोशिश ना करें। और यहाँ की ये शिवलिंग इस पट्टी शिवलिंग
हर हर महादेव। और यहाँ पे लाइन से दुकानें भी लगी हैं, और यहाँ पे स्फटिक शिवलिंग और है जिसमें अपन अभिषेक कर सकते हैं। अभी हम लोग हैं मसूरी रोड पे और यहाँ का वेदर देखो क्या जबरदस्त है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। और यहाँ से पीछे से लुक देखो पूरा प्रकाशेश्वर महादेव जी मंदिर पूरा यहाँ से कितना मस्त नज़ारा है। अभी देखो ये देखो इसमें थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। बेहतरीन दिख रहा है एकदम। तो पूरा पहाड़ के बीच में है, पूरा पहाड़ी इलाका है पूरा। देखो यहाँ से गाड़ियाँ आ रही है, हम लोग भी अभी इसी रास्ते से आए हैं ऊपर। और इधर से अपन जाएंगे इधर। अभी जा रहे हैं कैंपटी फॉल की ओर, थोड़ी सी दूर और बचा है तो रास्ते में रुके अपन मैगी खाने के लिए, पहाड़ों की मैगी। और अभी दिखाता हूँ आपको पहाड़, ये चेक कर गाइस, तबाही पूरा पहाड़ों में सब अल्टीमेट लुक है अल्टीमेट। अभी चल रही है अपनी पहाड़ी मैगी, चीज मैगी, वेज मैगी, बटर मैगी और चाय बिस्किट और ब्रेड, ये सब हम लोग ऐड किए इसमें। ब्रेड भी हमने नहीं छोड़ी, घर से ले आएंगे ब्रेड। चल चल रहा है अभी तगड़ा रास्ता और फिर चलते हैं, अभी फिर चलते हैं पहाड़ों में, बस मैगी खा लें। और यहाँ पे मैगी खाते खाते हम लोग ले रहे हैं यहाँ का नज़ारा और यहाँ का व्यू जो कि दिखाता हूँ मैं अभी। जय श्री केदार भाइयों, अपन पहुंच चुके हैं मसूरी और देखो यहाँ का व्यू। और यहाँ की घाटियों में गाड़ी चलाने का इतना आनंद आ रहा है कि क्या बताऊँ। और ये देखो यहाँ का व्यू, ये रही अपनी गाड़ी। और ये देखो गाइस क्या पहाड़ है देखो, और क्या बादल है। और अभी अपन पूरा ऊपर से ऐसे हो के अभी नीचे उतर रहे हैं इधर, और अभी जाएंगे नीचे। और सोनू ले रहा है वादियों का मजा। और ये है यहाँ का बादल, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं अभी। और अपना सोनू भाई, वो भी दो शब्द बोलना चाहूंगा, बोल रहा है तो उसकी भी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। ये वही क्षेत्र है जो मसूरी के अंतर्गत
लवासना, लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी सर्विस के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। आईएएस बनो, आओ रहने, 3 साल की ट्रेनिंग है और आप भी लो साथ में वादियों का मजा। हर हर महादेव। सामने कार जा रही है, अभी गिरा है तुरंत। गाइस यहां पे हो गई है लैंडस्लाइडिंग, पूरा पेड़ गिर गया है यहां से। एक मिनट ना, यहाँ जो रुकना ठीक नहीं है, निकलते हैं यहाँ से। एरिया थोड़ा डेंजर एरिया है। हेलो, हाँ रोड में क्या, रोड थोड़ा 10 फीट की रोड है ना, उसमें गाड़ी चल रही है। और अभी अपन पहुंच रहे हैं, बस लाखा मंडल पहुंचने वाले हैं और हो गई है शाम और बज रहे हैं अभी 7:30। और ये बादल देखो, पूरा रोड पे आ गया। ये ऐसे लग रहा है कोई आग लगा दिया है, पूरा धुआं धुआं हो गया, लेकिन है नहीं, पूरा बादल है ये। अभी अपन बादल घुस के निकलेंगे, अपन बादल से घुस कर निकलना है। दूर से दिख रहा, पास आने में पता नहीं चलता उतना। सुनो भाई, हाथ से छू के एहसास कर रहे हैं बादलों का। पानी आ रहा है भाई, भाई उसमें पानी पानी भी आ रहा है बादलों से। ये देखो कांच में भी आ गया, सामने ग्लास में भी आ गया पानी। अभी अपन चल रहे हैं बादलों पे। हर हर महादेव। और देखो यहाँ का नजारा, यहाँ पे चल रही है नदी और इस साइड भी नदी, और ये जबरदस्त पुल, और ये अपनी गाड़ी। हर हर महादेव। और अब चलते हैं, अपन पहुँच चुके हैं अभी मंजिल, बस थोड़ी सी दूर और। हेलो एवरीवन, हम लोग पहुंच चुके हैं अभी यमुनोत्री। यमुनोत्री में अपन रुके हैं, यहाँ से ऊपर चढ़ना है अपने को, 6 किलोमीटर का ट्रैक है। और यहाँ पे हमारी गाड़ी वाड़ी पार्क कर रहे हैं, वो खड़ी अपनी स्विफ्ट। और अभी बज रहे हैं 10 और हमने को सुबह 4 से 5 बजे करीब जाएंगे ट्रैक में। 6 किलोमीटर का ट्रैक है और ऊपर चढ़ना है यहाँ से हम लोग को। और हम लोग रुके हुए हैं होटल विजयराज, जिसका ये है, इसमें नंबर भी लिखा है। अगर कोई भाई आएगा तो यहाँ रुक सकते हैं, क्योंकि ये एकदम पास में है, यहीं से सीधा ट्रैक चालू होगा। और यहाँ का होटल भी अच्छा है, रूम भी ठीक है, और गाड़ी के लिए पार्किंग वगैरह भी है। तो चलते हैं गाइस, सोते हैं अब सुबह, क्योंकि जल्दी उठना है और ट्रैक भी करना है 6 किलोमीटर का। और फिर कल के डेट में यहाँ से निकलना है अपने को गंगोत्री के लिए। गंगोत्री में ट्रैक नहीं है, डायरेक्ट वहाँ पूरी गाड़ी चल देगी। और तो फिर गंगोत्री के दर्शन करेंगे। यहाँ पे हमारा रूम है, ये वाला रूम है, ये यहाँ की बालकनी। तो गाइस गुड नाइट, मिलते हैं सुबह एक नई शुरुआत के साथ। और सुबह बनाते हैं अपन गंगोत्री जी का, कराते हैं सबको दर्शन।